हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ AKJ आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 19x42 में ये बनाया गया है और इसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया 798 स्क्वायर फीट है। ये 3 BHK हाउस प्लान है। इसमें हमने इसको डबल स्टोरी में शो किया है, जिससे कि आपको ये जो है नीचे हमें क्या करना है और ऊपर हमें क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आए। इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मकान दोनों मंजिल 16 से 18 लाख के बीच में आपके तैयार हो जाएंगे। इसकी प्लानिंग किस तरह से उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये इसकी प्लानिंग की डिटेल है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें हमने फुल पार्किंग दी हुई है, जो 3 से 4 गाड़ियाँ कार आप पार्क कर सकते हैं इसके अंदर, और करीब करीब 3 से 4 बाइक आप आराम से पार्क कर सकते हैं। एक कॉमन टॉयलेट हमने नीचे दिया हुआ है और एक स्टेयरकेस दी हुई है जो हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती है। अब फर्स्ट फ्लोर पर क्या प्लानिंग है? फर्स्ट फ्लोर की जो प्लानिंग है वह हमारा सबसे पहले मास्टर बेडरूम है, जो कि टॉयलेट के साथ अटैच है। फिर बेडरूम नंबर 2 है, बेडरूम नंबर 3 है, और एक बहुत बड़ी साइज़ की बालकनी है, मतलब बिग साइज़ बालकनी, मतलब काफ़ी चौड़ी बालकनी है। आप मनचाहा उपयोग उसका कर सकते हैं। ओपन किचन दी हुई है, डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, ड्राइंग रूम दिया हुआ है और कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है विद वॉश एरिया। आइए प्लानिंग किस तरह से एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन की, कि फ्रंट एलिवेशन इसका कैसा होगा और किस तरह से दिखेगा ये मकान। आइए चलिए देखते हैं हम। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन में अगर हम देख पा रहे हैं तो ये हमने जो है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर हमने छत दी हुई है, जिसमें सबसे ऊपर जो है डिबिया बनी हुई है जो कि जीने को कवर करती है चारों तरफ से। इसके चारों तरफ जो है तीनों तरफ मकान रहेंगे इसमें, आगे भी, पीछे भी और साइड में भी, ठीक है। और इसमें जो फ्रंट है, फ्रंट में हमने जो है एक स्टोन क्लैडिंग का हमने पार्ट दिया हुआ है। एक हमने सबसे पहले एक आपको रेलिंग दी हुई है, जिसमें हम सिंपल पाइप देख रहे हैं, और ये लाइट ब्लू कलर से हमने इसका पैटर्न दिया हुआ है। बालकनी में जो है दोनों रूम से और स्टेयर से जो है एक रास्ता इसमें बालकनी में आता है, और ये हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जिसको हम थोड़ा सा पास से आगे देख रहे हैं। ये हमने एक थोड़ा स्टोन पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ हम जो है सेंटर लाइट लगा के जो है हम इस बिल्डिंग को बहुत खूबसूरत दिखा सकते हैं। यहाँ हमने जो है एक एंट्री दी हुई है, जो कि हमारे रूम में जाती है। ये एंट्री हमारी जो है स्टेयर पोर्शन में जाती है, और डिबिया आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर है। यहाँ हमने जो है सर्कुलर पाइप से जो है हमने रेलिंग दी हुई है, और नीचे हमने करीब करीब 9 इंची की चिनाई कर रखी है, जो कि थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव लुक देती है। ग्राउंड फ्लोर किस तरह से दिखता है उसको भी एक बार पास से देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है हमने स्टेयरकेस पोर्शन है, जो हमें स्टेयर ऊपर ले जाता है, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं हमारा मेन डोर हमने लगा हुआ है, जो कि वुडन क्लैडिंग के साथ है। इसमें बीच में हमने जाली दी हुई है, और जाली से हम अंदर से ही हम देख सकते हैं बाहर कौन आया है, क्या काम है, वो सारा हम यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा जो है गेट की हाइट अगर हम बात करते हैं तो हाइट इसकी जो है 7 फीट हमने इसमें रखी है। इसकी वन साइडेड हमने जो है एक रैंप दिया हुआ है, और 3 स्टेप के साथ साथ अभी से हम अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ एंटर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपने डोर को थोड़ा सा पास से एक बार और हम डोर को देखते हैं। देखिए, डोर को हमने थोड़ा सा और पास से आपको दिखाने का प्रयास किया है, जिससे आपको डोर की क्वालिटी समझ में आएगी। ये नीचे और ऊपर जो है हमने वुडन क्लैडिंग दी हुई है, बीच में हमने जो है एक एक्रेलिक सीट का जो है प्लास्टिक मटेरियल होता है एक्चुअली, ये इससे हम जाली का डिजाइन इसमें बना सकते हैं, और बड़े बड़े हैंडल के साथ हमने इसमें अट्रैक्टिव लुक दिया हुआ है। ये गेट 2 पार्ट में बना हुआ है, एक छोटा सा एक बड़ा सा। बड़ा गेट जब खुलेगा जब आप गाड़ी को अंदर ले जाते हैं तब, छोटा गेट हमारा जो है रेगुलर वे में खुलता रहेगा। जब हम अंदर जाना है बाहर निकलना है तो हम छोटे गेट का ही उपयोग करेंगे। बाहर सबसे पहले हमने जो है गार्डन भी दिया हुआ है थोड़ा सा इसमें, जिससे आप गार्डन में छोटे छोटे पेड़ पौधे जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अंदर की प्लानिंग की तरफ, तो हमारा पोर्च किस तरह से उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा पोर्च है, जिसमें हमने एक वाइट कलर की गाड़ी आपको पार्क करके दिखाई है। इसकी फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोर पे हमने जो है इसमें टाइल्स लगा के, डॉटेड टाइल्स लगा के हमने दिखाया हुआ है आपको, जिससे आपको जो है एक पार्किंग का लुक देने दिखता है, आपको लगता है कि पार्किंग है हमारी। इसमें हमारी गाड़ी किसी प्रकार की गाड़ी हम आराम से रख सकते हैं, गाड़ी का फिसलन वगैरह बिल्कुल उसमें नहीं होती है। अगर हम पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 9.5 फुट चौड़ा है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये 16.5 फुट हमने इसकी लंबाई रखी है। चौड़ाई में काफ़ी बड़ा है, 9.5 बहुत होता है। उसके बाद हम इस कार रखने के बाद भी हम साइड से ऐसी जगह आराम से अंदर जो है गाड़ी, कोई भी छोटी गाड़ी हम ले जाना चाहें तो अंदर आराम से हम पार्क कर सकते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं अपने हॉल की तरफ। तो हॉल किस तरह से, उसको एक बार नज़र कर लेते हैं। देखिए ये हमारा हॉल है, जिसको भी हम पार्किंग की तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम गाड़ी रखते हैं, तो गाड़ी हम एक दो तीन गाड़ी हम जो है लाइन से इसमें रख सकते हैं, और टू व्हीलर हम आके यहाँ पे इस वाले वर्टिकली जो है हम इसमें टू व्हीलर पार्किंग कर सकते हैं, जो सेपरेट आपको मतलब बहुत अच्छा स्पेस देती है। अगर आप इसका यूज़ पार्किंग की तरह नहीं करना चाहें, अन्य यूज़ करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। कोई बर्थडे पार्टी है, कोई छोटा मोटा कोई फंक्शन आपके घर में हो रहा है, तो भी आप इस फंक्शन को आराम से इसमें कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्पेस है और बहुत अच्छी लुक वाइज है। अब हम चलते हैं अपने स्टेयर पोर्शन में। तो स्टेयर पोर्स किस तरह से एक बार देख लेते हैं। देखिए स्टेयर पोर्शन में जाने के लिए हमें पोर्स वाले लेवल से 6 इंची अप करते हुए हमें इस वाले लेवल में आना पड़ेगा। इस वाले लेवल में भी जो हमने एज ए स्टोर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जीने के नीचे हमें काफ़ी स्पेस मिल रहा है जो हमारा स्टोर के लिए काम कर सकता है। ये जो स्टेयर्स हैं वो हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाते हुए ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ हमें ले जाते हैं। इसमें हमने जो है लाइट कह सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर का जो है हमने इसमें फ्लोर यूज़ किया हुआ है, जो कि टाइल्स भी है, मार्बल भी आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो हम जो है टाइल्स का यूज़ भी हम स्टेयर में यूज़ कर पा रहे हैं। कोशिश करें वो टेक्सचर आप ऐसा लें जो डार्क ना हो। जी स्टेयर के इसमें कभी भी डार्क मटेरियल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीने में हमेशा रोशनी बनी रहना चाहिए। इसको मैं पिछले वाले वीडियो में भी आपको बता सका हूँ आपको कि इसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, जिससे आपको जो है अंधेरे मतलब ब्लैक मटेरियल यूज़ करने से क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके। उसके बाद देखते हैं हम अपने स्टेयर केस। तो स्टेयर केस की जो चौड़ाई हमने रखी है यहाँ पर 3.25 फीट इसकी चौड़ाई रखी है, और अगर राइजर की बात करते हैं 7 इंची का हमने राइजर दिया हुआ है, और ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड हमने जो है 10 इंची का दिया हुआ है। 7-10 का जो है राइजर एंड ट्रेड है इसमें, और 3.25 फुट जीने की चौड़ाई हमने दी हुई है, और ये जीना जो है हमें ऊपर तक ले जाता है हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अब हम चलते हैं अपने टॉयलेट की तरफ। देखिए ये हमारा विजिटर टॉयलेट भी हम इसे बोल सकते हैं, ये हमारा विजिटर टॉयलेट भी है और कॉमन टॉयलेट की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है हमने जो डोर दिया वो 2.5 फुट चौड़ा है, और अंदर काफ़ी स्पेस है। अगर स्पेस की बात करते हैं कि इसका साइज़ कितना होगा, तो उस साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो साइज़ हमने इसमें लंबाई इसकी 8.5 रखी है, और चौड़ाई हमने इसकी 5 फुट रखी है, मतलब 5x8.5 का ये कॉमन टॉयलेट रखा है। काफ़ी बड़ा स्पेस है, हम मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन चाहे तो आप इस एरिया में भी वॉश एरिया बनाना चाहें, कोई बाई अगर आपके घर में आती तो बाई को कपड़े वगैरह धोना हो तो यहाँ धो सकती है, अपने आराम से कपड़े को ऊपर ले आते हो सुखा करके रख सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर को, क्या फर्स्ट फ्लोर किस तरह से, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार इस पूरे ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग को एक बार रिव्यू ले लेते हैं कि ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग किस तरह से है। आइए देखते हैं। देखिए ये हमारी पूरी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग है, जिसमें हमने 2 गाड़ी पार्क करके दिखाई है। इसमें आप 3 गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं, एक गाड़ी के आगे दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे तीसरी गाड़ी। उसके बाद भी हमें काफ़ी स्पेस मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा पूरा हॉल है जो हमारे पार्किंग के लिए यूज़ हो रहा है, ये हमारा पोर्च एरिया है, ये हमारा स्टेयर पोर्शन है। स्टेयर से हम फर्स्ट फ्लोर पर जाते हुए हम इस लेवल पर आते हैं। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हमने दिया हुआ है, इसमें हमने जो है वुडन प्लस स्टील और वुडन का दो है डोर कॉम्बिनेशन से हमने डोर को बनाया है, तो ये देखने में बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, ये प्लानिंग अच्छी है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, हम यहाँ से नीचे से होते हुए आते हैं तो हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर से जो एंट्री हमने दी हुई है वो 3.5 फीट चौड़ी है, ठीक है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं ये स्टेयर पूरी हमें फर्स्ट फ्लोर की मतलब ग्राउंड से फर्स्ट की तरफ लाती है, और फर्स्ट से फिर हमें सेकंड फ्लोर जो हमारी छत है जिसमें मैंने ऊपर छत दी हुई है उस छत वाले एरिया में हमें ये ले जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके ड्राइंग रूम को, ड्राइंग रूम किस तरह से है उसका। देखिए ये हमने ड्राइंग रूम दिया हुआ है आपको, ये ड्राइंग रूम जो आप देख पा रहे हैं इसमें हमने एल शेप में सोफा दिया हुआ है, जिसमें जिसके सामने हमने जो है एक ग्लास की टेबल दी हुई है, और एकदम सामने हमने वॉल खाली करके दी हुई है, जो आप टीवी इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ से एंट्री करके सीधे हम अपने ड्राइंग एरिया में आते हैं, और यहाँ हमने खाली जो है आर्च दिया हुआ है, आर्च इन द सेंस कह सकते हैं ऐसे खाली पोर्शन है, यहाँ केवल कर्टन का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो कर्टन का यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं चाहते कि अभी हमें कर्टन का यूज़ करना, हमें खुला रखना है तो आप खुला भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। इवन आप चाहें तो इसमें गेट भी लगा सकते हैं, गेट भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इसमें, परंतु हमने इसमें अभी इसको ओपन रखा है और हमने कर्टन का भी यूज़ इसमें नहीं किया, आप चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं। तो ये इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है हमारा 9.5 फुट इसकी चौड़ाई है, और 10.5 फुट की हमने इसकी लंबाई दी हुई है, 9.5x10 का हमने ये ड्राइंग एरिया दिया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। देखिए ये हमारा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया में हमने एक डाइनिंग टेबल शो करके आपको दिखाई है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि ये डाइनिंग एरिया है हमारा। और डाइनिंग एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 फुट है,
ठीक है। और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फीट हमने इसकी चौड़ाई रखी है। और इसमें जो फ्लोरिंग है, जो कॉमन एरिया जो हमने बात किया था, ड्राइंग एरिया, किचन एरिया या हमारा डाइनिंग एरिया, इसमें पूरे में हमने जो है वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है। जो वाइट मार्बल क्या है कि थोड़ा सा एक अच्छा लुक देता है, घर थोड़ा हमारा बड़ा बड़ा दिखता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। कलर की अगर हम बात करते हैं तो हमने ड्राइंग रूम में हमने लाइट पिंक कलर आपको दिया हुआ है। पिंक कलर अपने आप में यूनिक कलर है और लवली कलर है। कोई भी व्यक्ति अगर घर के अंदर एंटर करता है तो वो खुश होते हुए जो है आपके घर में एंटर करता है, क्योंकि हमने जो है पिंक कलर का यूज़ किया है। और डाइनिंग एरिया में जो हमने कलर यूज़ किया है वॉल पे, वो हमने लाइट येलो कलर हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। क्योंकि क्या होता है, येलो कलर वार्म कलर होता है। वार्म कलर क्या होता है कि हमें जो है तरोताज़ा रखता है। और तरोताज़ा इसलिए रखता है क्योंकि हमारा ये डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में हमें तरोताज़ा रहना चाहिए। अगर कोई बीमार व्यक्ति भी अगर इस एरिया में आता है तो इस कलर के इफेक्ट से जो है वो बीमार व्यक्ति भी तरोताज़ा हो जाता है। ये कलर का इफेक्ट है। इस कलर के इफेक्ट से भी ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इस कलर के कॉम्बिनेशन को हमने ध्यान रखते हुए हमने इस कलर को बनाया। हमने अपने सभी वीडियो में जो है कलर कॉम्बिनेशन इसी तरह से दिया है कि जिस एरिया में जिस आदमी जो जगह पर है उस एरिया में उस कलर का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि उस कलर का भी इफेक्ट उस पर पड़ना चाहिए, जिससे उसकी लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा बेहतर बनाई जा सके। ठीक है, इसके साथ की हम बात कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ, सॉरी किचन की तरफ। किचन हमारा किस तरह से, किचन आप देख पा रहे हैं इसमें आपको दिख रहा है, पर हम इसको दूसरे एंगल से आपको दिखाते हैं जिससे आपको पूरा किचन एक बार में दिखाई देगा, तभी हम उसकी साइज की भी चर्चा करेंगे। देखिए, ये हमारा किचन है। किचन जो है हमारा यू शेप में है। इसमें एक साइड में हमने जो है फ्रिज दिखाया हुआ है जो रेड कलर से है। फ्रिज के जस्ट बगल में हमने जो एक सिंक दिखाई है और सिंक के बगल में हमने छोटा सा पार्टीशन भी दिखाया है। मैं आपको पार्टीशन भी अभी दिखाऊंगा कि पार्टीशन से जो है हम किचन के सिंक के पानी को फ्रिज पर पड़ने से रोक सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं इसमें हमने लाइट ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से जो है हमने फर्नीचर इसमें बनाया हुआ है। और वॉल पे भी जो है हमने येलो मिक्स करके जो है ग्रीन कलर, ग्रीन को येलो से मिक्स करेंगे तो लगभग इस तरह का कलर आपका बनेगा, जो कि किचन को जो है एक अट्रैक्टिव लुक और मतलब मेंटेलिटी को जो है सिक्योर करता है। ठीक है, उसके बिल्कुल ठीक सामने जो है हमने विंडो दी हुई है। विंडो की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 2.5 फुट की विंडो है और ये हमें आने जाने वाले व्यक्ति पर नज़र रखती है। खाने बनाने वाला व्यक्ति अगर किचन में रहेगा, उसे ये पता रहेगा कितने लोग आए हैं, तो उसको चाय बनाने में, नाश्ता सर्व करने में दिक्कत नहीं आएगी और वो यहीं से देखता रहेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कुछ भी लेना देना है तो उसको मेन गेट तक आने की जरूरत नहीं, वो यहीं से भी लेना देना हो सकता है। यहाँ हमने जो है गैस शो नहीं की है, पर यहाँ आप चाहें तो इसमें ऑप्शन आपके पास है। आप गैस यहाँ रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। इसलिए इसमें हमने गैस शो नहीं किया, क्योंकि आपके यहाँ पे ऑप्शन दो ऑप्शन यहाँ बन रहे हैं कि सामने रखें या साइड में रखें। आप मनचाहे तरीके से अपने साइड में उसमें रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डाइनिंग एरिया से कनेक्टिविटी देखते हैं कि डाइनिंग एरिया से की कनेक्टिविटी किस तरह से देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसकी ओवरऑल कनेक्टिविटी देखिए आप। यहाँ हमने ड्राइंग एरिया दिया हुआ है। ड्राइंग एरिया से आप यहाँ से किचन में काम करते हैं तो अगर हमको चाइना था सर्व करना है तो यहाँ से हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से एकदम नियरेस्ट है ये। ठीक है, उसके बाद अगर किचन डाइनिंग एरिया की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक सामने जो है डाइनिंग एरिया है, तो कनेक्टिविटी कितना नियर है। तो कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि किचन में जो व्यक्ति काम करता है उसकी जो है कनेक्टिविटी थोड़ा सा नियरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो उसको थकान नहीं होती। अगर नियरेस्ट नहीं होता, कुछ चीज़ें दूर दूर होती हैं तो उसे थकान बहुत होती है। जैसे खाना यहाँ बना रहा है और सब करने यहाँ जा रहा है तो थोड़ा सा उसे परेशानी आती है। डाइनिंग एरिया हमारा बिल्कुल नज़दीक होना चाहिए किचन के, जिससे खाना यहाँ बना रहा है तुरंत सर्व करता है फिर तुरंत अपने किचन में जाता है तो उसे थकान फील नहीं होती। अगर वो यहाँ से आके यहाँ सर्व करेगा, यहाँ से आके बार बार यह करेगा तो दिक्कत आएगी। इसलिए जो है हमने इसको इस चीज़ का भी हमने इसमें ध्यान रखा है। मेरा आपसे एक लोग आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जो है इसमें थोड़ा साइज़ का इशू आता है। लोग बताते हैं मेरे को कि आपके जो है वीडियो में साइज़ हमें नहीं मालूम पड़ता, साइज़ आपके रूम का, आपके किचन का, आपके अन्य चीज़ों का साइज़ किस तरह से दिया है। परंतु मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्किप से वो चीज़ निकल जाती है जो मैंने यहाँ पर बताई है। साइज़ भी मैंने इसमें बता के चल रहा हूँ। मैंने रिटर्न में भी देखो, आप नीचे देख पा रहे हो, नीचे रिटर्न में भी जो है साइज़ आ रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसपे मैं बात करता हूँ उसका साइज़ मैं अलग से शो करता हूँ। परंतु आप चूंकि वीडियो को स्किप कर देंगे तो वो साइज़ आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको वीडियो समझ में आए। मैं वीडियो में जो है एक हर पॉइंट की अलग अलग बातें करता हूँ, जिससे आपको इस चीज़ समझ में आती है कि भाई इस पॉइंट की जो खासियत क्या होना चाहिए, डाइनिंग एरिया की खासियत क्या होना चाहिए, इस तरह से। तो मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि ये हमारा डाइनिंग एरिया है। किचन की अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो किचन का जो साइज़ है हमारा 8.5x6.5 का हमने किचन यहाँ पर रखा है। उसके जो हमने किचन और उसके सिंक और फ्रिज के बीच में जो पार्टीशन है उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ वो किस तरह से है।
देखिए ये हमारा पार्टीशन है, ये हमारा सिंक है और ये हमारा फ्रिज है। इन दोनों के बीच में हमने एक वर्टिकल पार्टीशन दिया हुआ है जो कि इसी स्टोन से बनेगा। जो हमारा प्लेटफॉर्म पे जो स्टोन लगा हुआ वही प्लेटफॉर्म पे लगे हुए स्टोन से ही हम इसको यूज़ करेंगे। वो देखने में बहुत सुंदर और एक थोड़ा सा सेपरेट लुक देता है, जिससे कि हमारे फ्रिज पानी नहीं पड़ता और फ्रिज हमारा ख़राब भी नहीं होता, और चूंकि फ्रिज में करंट भी नहीं आता, ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए हमने ऐसा पार्टीशन इसमें दिया हुआ है। आप किसी भी तरह से किचन को डिज़ाइन करें तो कम से कम अगर स्थिति आपकी ऐसी बनती है तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की तरफ। आइए, ये है हमारा कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट की कनेक्टिविटी भी हमने डाइनिंग एरिया के सामने ही रखी है, जिससे कोई व्यक्ति अगर यूज़ करने में उसे आसानी होती है। अगर ड्राइंग एरिया से भी अगर वो व्यक्ति आना चाहे तो यहाँ आ सकता है, और डाइनिंग एरिया से भी आना चाहे तो यहाँ आ सकता है। आराम से आने में कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके साइज़ की बात करते हैं। तो इसका साइज़ हम बात कर रहे हैं तो ये 5 फुट चौड़ा है और 7.5 फुट इसकी हमने लंबाई रखी है। इसमें जो हमने डोर दिया उसकी 2.5 फुट हमने चौड़ाई रखी है, और इसमें हमने लाइट ब्लू कलर की टाइल्स यूज़ की हुई है जो कि थोड़ा सा हल्की से टेक्सचर में है, पर टेक्सचर दिख रहा है पर टेक्सचर है नहीं। और फ्लोर पर भी हमने टाइल्स ग्रे कलर की यूज़ की हुई जो कि स्लिप से फ्री है, मतलब आप इसमें टाइल्स पर पैर रखने के बाद स्लिप नहीं करेंगे, आप खुरदरापन इसमें हमेशा रहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। उस मास्टर बेडरूम की तरफ हम चलते हैं। आइए, ये हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की एंट्री हमने जो है ड्राइंग एरिया से दी हुई है। ड्राइंग एरिया से हम मास्टर बेडरूम की तरफ आते हैं तो जो एंट्री है वो हमारी 3.5 फुट चौड़ी है। 3.5 फुट चौड़ी एंट्री के बाद सीधे हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ आते हैं। मास्टर बेडरूम में भी हम देख पा रहे हैं कि वुडन हमने फ्लोरिंग वुडन में दी हुई है, वुडन टेक्सचर में दी हुई है, वुडन फ्लोरिंग नहीं है, वुडन टेक्सचर में। टाइल्स आजकल जो है 2x2 की, 2x4 की, 3x3 की जो टाइल्स आती हैं वो वुडन पैटर्न में आती हैं। आप चाहें तो वुडन पैटर्न में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने वुडन पैटर्न इसमें यूज़ किया तो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक और थोड़ा सा एक गुड फीलिंग देता है आपको। यहाँ हमने जो डबल बेड शो किया हुआ है, डबल बेड के दोनों साइड में हमने एक एक स्टूल इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। उसको भी मैं आपको दूसरे एंगल से एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने एक ब्लाइंड मतलब एक काफ़ी चौड़ी लंबी चौड़ी जो है दीवार दे रखी है, जिसमें आप टीवी अपना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका साइज़ है हमारा 9.5x9.5 इसकी लंबाई है और 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई रखी है। इसी बेडरूम से हमने जो है बालकनी में भी एंट्री दी हुई है, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के पास सब कुछ होना चाहिए, ड्राइंग एरिया पर भी कनेक्टिविटी होना चाहिए, इसकी जो है बालकनी में भी कनेक्टिविटी होना चाहिए, और अपने जो है स्टेयर के पोर्शन जो व्यक्ति नया आता है उसके पास भी इसकी कनेक्टिविटी होना चाहिए, और इसके पास एक सेपरेट टॉयलेट भी होना चाहिए। वो सब हमने इसमें व्यवस्था इसमें रखी है आपकी, तो देखने में जो बहुत अच्छा बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसमें और क्या क्या पॉइंट है उसको थोड़ा दूसरे एंगल से एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा बेडरूम दूसरे एंगल से किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हमारा बेडरूम दूसरे एंगल से भी है। यहाँ हमने बालकनी की एंट्री इसमें से दी हुई है जो कि हमारी 2.5 फुट चौड़ी है, और यहाँ हमने साइड में एक विंडो दे रखी है। अगर कूलर एसी आप कुछ लगाना चाहें तो यहाँ आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और विंडो सॉरी कूलर और एसी आप चाहें तो बिल्कुल एकदम बालकनी में होगा, तो इसके वेंटिलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ हमने जो है एक आपको अटैच टॉयलेट दिया हुआ है। अटैच टॉयलेट किस तरह से, उसका साइज़ क्या है, उसकी भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। आइए चलते हैं अपने कॉमन अटैच टॉयलेट की तरफ। देखिए, ये हमारा अटैच टॉयलेट है। अटैच टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इस साइज़ में 4.5 फुट चौड़ा है और 5.25 फुट इसकी लंबाई हमने रखी हुई है। इसमें जो एंट्री है वो 2.5 फुट चौड़ी है, और इसमें भी हमने जो है येलो कलर के पैटर्न से हमने जो है स्टाइल्स इसका यूज़ किया हुआ है। टाइल्स फ्लोर पे जो यूज़ की है वो भी हमारी जो है डॉटेड टाइल्स है, जो कि हमारे बाथरूम में स्पेशली यूज़ होती है। अब हम चलते हैं अपने बालकनी की तरफ, जो कि हमारी बहुत बड़ी बालकनी है और देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। आप मनचाहे उपयोग इसमें बालकनी में आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपनी बालकनी की तरफ। देखिए, ये हमारी बालकनी। बालकनी के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये 13.5 फुट लंबी है और 5.5 फुट चौड़ी है। 13.5x5 की बालकनी काफ़ी बड़ी बालकनी होती है। आप चाहें तो इसमें पलंग डाल के भी सो सकते हैं आराम से। गर्मियों के सीज़न में लोगों को क्या होता है, घर के अंदर से बाहर निकलने की इच्छा होती है, तो आप पलंग डाल सकते हैं, एक दीवान पलंग डाल सकते हैं, एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं आप बालकनी में। आप चाहें तो 4 कुर्सी लेके भी बैठ सकते हैं, बारिश का मज़ा ले सकते हैं। बहुत अच्छे से आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री हमने मास्टर बेडरूम से भी दी हुई है और हमारा स्टेयर पोर्शन से भी हमने दी हुई है। उसको भी एक बार घुमा के आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरह से दिखेगी आपकी। देखिए, इसको हमने थोड़ा सा घुमा के भी दिखाया है कि यहाँ हमने जो है रेलिंग दी हुई है जो कि सिंपल पाइप से हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के पाइप जो हमारे बालकनी को अट्रैक्टिव लुक देते हैं। यहाँ से हमने एंट्री आपको दिखाई है, बेडरूम से एक एंट्री दी हुई है, एक एंट्री हमारी जो है स्टेयर पोर्शन से भी दी हुई है। अगर कोई आदमी बेडरूम से नहीं आना चाहे, किसी अपने विजिटर को लाना चाहते हैं, किसी दोस्त मित्र को भी आप बालकनी में लाना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप यहाँ से स्टेयर से भी डायरेक्ट आप इसमें एंट्री दे सकते हैं। तो उससे भी जो है आपकी ये बालकनी अच्छी लुक देती है, और बहुत बड़ी बालकनी आप देख पा रहे हो। इतनी बड़ी बालकनी जो है पूरे टॉयलेट के साइज़ के बराबर बालकनी हमने यहाँ दी हुई है, और देखने में बहुत अच्छी और
मतलब इस तरह की बालकनी ये इतने छोटे से पोर्शन में, इतने छोटे से एरिया में ये चीज़ें दिखती नहीं है, पर चूंकि हमने इसमें बहुत मेहनत की है इस प्लान को बनाने के लिए, आपको ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, तो आप इस मतलब इस प्लान को समझें और देखें। अगर आपको इस प्लान से संबंधित कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें इससे रिलेट करके हमें उसके कॉलम की डिटेल चाहिए, हमें बीम की डिटेल चाहिए या हमें अन्य चीज़ें भी चाहिए, तो आप अगर आप कहेंगे तो मैं उनके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिससे आपको वो चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। आप मुझे कमेंट्स में जैसे जैसे बताएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता जाऊँगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है। बेडरूम नंबर 2 की तरफ अपन चलते हैं। आइए, ये हमारा बेडरूम नंबर 2। जो बेडरूम नंबर 2 की जो एंट्री दी हुई है वो हमने डाइनिंग एरिया से दी हुई है, जिसकी एंट्री की चौड़ाई अगर हम बात करते हैं वो 3.5 फुट चौड़ी है। इसमें भी हमने डार्क वुडन यूज़ की हुई है। डार्क वुडन देखने में अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एक रिच लुक देती है। तो इस यहाँ पे भी हमने डबल बेड का शो किया हुआ है। डबल बेड में दोनों साइड में हमने स्टूल दिखाए हुए हैं जो कि आपको अलग एक बार अच्छा सा लुक आपको देंगे। इसके सामने भी हमने खाली दीवार दे रखी है जिसमें आप टीवी लगाना चाहें तो आप आराम से इस टीवी लगा सकते हैं। इसमें आप फर्नीचर लगाना चाहें तो ये फर्नीचर के लिए भी हमने छोटी सी वॉल दे रखी है। हमने फर्नीचर शो नहीं किया है पर आप फर्नीचर लगाना चाहें तो फर्नीचर लगा सकते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं हमने एक बड़ी विंडो दी हुई है जो कि 4 फुट चौड़ी है और देखने में बहुत बड़ी और सुंदर लुक दे रही है। ठीक है, इसके कलर की बात करते हैं तो इसका कलर जो है लाइट ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर है जिसमें हल्का सा जो है ग्रीन में हल्का सा ब्लू मिक्स करेंगे तो इस तरह कलर आपका बन के सामने आएगा। तो ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये 9x10 का हमने ये बेडरूम रखा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ जो कि हमारा बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 और बेडरूम नंबर 2 दोनों लगभग एक जैसे हैं साइज में भी और उसके लुक में भी। तो इसकी भी एंट्री जो है हमने डाइनिंग एरिया से दे रखी है। इसके लेफ्ट एंड में भी हमने एक विंडो दे रखी है और इसमें भी जो है डबल बेड का शो किया हुआ है जो कि दोनों साइड से स्टूल हैं। बस इसका डिफरेंट हमने जो किया है वो हमारा फ्लोर है और फ्लोर भी हमने वुडन दिया हुआ है थोड़ा सा अलग पैटर्न पे। और इसकी जो वॉल है वो थोड़ा सा रेड कलर में, इसको हम रानी पिंक भी, रानी कलर भी बोलते हैं, रानी रेड बोलते हैं इसको। थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लुक देता है, थोड़ा सा एक न्यू कपल के लिए बहुत अच्छा लुक देता है ये। तो घर की अगर न्यू फैमिली मतलब जो उनकी नई नई शादी हुई है वो इस रूम में आप आराम से उनको रेस्ट कराएं तो बहुत अच्छा लुक देता है ये रेड कलर। ठीक है, अब हम साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये साइज़ में भी 9x10 का इसका साइज़ हमने इसमें रखा हुआ है। अब इसमें जिस सब चीज़ें अपन देख रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं इसको एक बार पूरा जो किस तरह से है, इसकी प्लानिंग किस तरह से, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। इस फर्स्ट फ्लोर की पूरी प्लानिंग आपके सामने है। पहले सबसे पहले हम स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं तो हमारी एंट्री होती है। यहाँ से एंट्री से हम ड्राइंग एरिया में आते हैं और ड्राइंग एरिया में एल शेप में सोफा दिया हुआ है जिसके ठीक सामने हम टीवी का पॉइंट भी दे सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया भी साइज़ में काफ़ी बड़ा है। इसमें भी हमने 4 कुर्सियों के साथ एक डाइनिंग टेबल आपको शो की हुई है। उसके सामने हमने जो किचन यूज़ किया हुआ है, किचन जो हमारा यू शेप में है, नीचे भी फर्नीचर है और ऊपर भी फर्नीचर है। आप मैंने इसमें शो नहीं किया पर आप इसको बना सकते हैं। कॉर्नर में हमने इसमें फ्रिज दिखाया है और यहाँ फ्रिज और सिंक के बीच में एक पार्टीशन हमने आपको शो किया हुआ है। इसमें भी एक विंडो दी हुई है जो कि आने जाने वालों पर नज़र रख सकती है। ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, ये कॉमन टॉयलेट भी साइज में काफ़ी बड़ा है और इसमें भी जो है हमने बहुत अच्छे टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। इसमें भी हमने डबल बेड आपको लगा के दिया हुआ है। इसकी जो एंट्री है वो 3.5 फुट चौड़ी है और बालकनी से बेडरूम से सीधे हम बालकनी में भी एंट्री दे रहे हैं आपको। बेडरूम से बालकनी में एंट्री है, बालकनी की एंट्री जो है आपकी स्टेयर वाले पोर्शन से भी है। इसमें एक अटैच टॉयलेट दे रखा है। अटैच टॉयलेट देखने में भी बहुत सुंदर है और ये टॉयलेट जो है फ्रंट को भी एक अच्छा लुक दे रहा है। फ्रंट से भी वो फ्रंट देखने में बहुत सुंदर लगेगा आपका। उसके बाद हम बेडरूम नंबर 2 है, उसके बाद हम बेडरूम नंबर 3 को देख पा रहे हैं। ये दोनों पीछे हमने बेडरूम दे रखे हैं जो कि बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। ये पूरी प्लानिंग जो है आपकी 3 BHK की प्लानिंग है। 1, 2, 3 बेडरूम है, एक हॉल है, एक डाइनिंग एरिया है, किचन है, कॉमन टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट है, बालकनी काफ़ी बड़ी है। इतने छोटे पोर्शन में और क्या चाहिए आपको। 19x42 के साइज़ में आपको सब कुछ मिल रहा है इसके अंदर। एक बार इसका फर्स्ट फ्लोर और छत भी देख लेते हैं, छत किस तरह से, उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। देखिए, ये हमारी छत, छत को जो है नीचे जीने से चढ़ते हुए हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तो ये हमारी पूरी छत है। इसके चारों तरफ जो मोडेली हमने दे रखी है वो 3.5 फुट ऊंची है। इसके फ्लोर पे भी हमने जो है टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो इसमें कोटर स्टोन भी लगाना चाहें तो कोटर स्टोन लगा सकते हैं। हमने इसे कोटर स्टोन की तरह ही टाइल्स के पैटर्न पर दिखाया हुआ है। इसमें भी जो है सामने आप फ्रंट पर देख पा रहे हैं एक बालकनी है। इसमें भी जो है पाइप की रेलिंग लगी हुई है और देखने में काफ़ी बढ़िया। आप कोई भी फंक्शन करना चाहें, आप इस पर गार्डन बनाना चाहें तो गार्डन भी बना सकते हैं और कोई भी फंक्शन छोटा मोटा करना चाहें तो वो फंक्शन भी आप इसमें कर सकते हैं। ओवरऑल प्लानिंग बहुत अच्छी देखने के लिए। एक बार फ्रंट का भी एक बार लुक देख लेते हैं। देखिए, इसका ये है फ्रंट।
फ्रंट जो है बहुत अट्रैक्टिव है, पूरी प्लानिंग अट्रैक्टिव है। आप इस प्लान को बनाते हैं तो मकान आपका बहुत सुंदर बनता है, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।